हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रोहतक में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र पर अपनी बात रखी और सभी विधायकों को नसीहत भी दी है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता रविवार को राहगीरी कार्यक्रम में शिरकत करने रोहतक में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा का सेशन सबसे लंबा चलेगा, इसलिए सभी सदस्यों को पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान सदस्य अपने इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से रख सकते हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अगर विधानसभा सदस्य केवल मुद्दों को लेकर चर्चा करे तो उनको दिए जाने वाला समय पर्याप्त होता है। सभी सदस्यों को पूरा समय बोलने का अवसर दिया जाएगा, जिसके अंदर वो अपने राज्यपाल के भाषण पर चर्चा कर सकें, बजट के ऊपर चर्चा कर सकें और अपने विधानसभा की जो समस्याएं हैं उनको उठा सकें। साथ ही उन्होंने विधानसभा सदस्य को व्यर्थ के मुद्दों पर समय बर्बाद न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सदस्य ज्यादा से ज्यादा समय अपने इलाके के मुद्दों की समस्याओं को रखने के लिए लगाएं, न कि बहस करने में पड़े। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे सभी आदरणीय सदस्य मुद्दों के ऊपर चर्चा करें और विषयों के ऊपर चर्चा करें, व्यर्थ का समय केवल राजनीति करने के लिए वो ना गवाएं। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सरकार के प्री बजट पर चर्चा करने की पहल को भी सराहा। स्पीकर का कहना है कि बजट को लेकर सदस्यों के बीच जितनी ज्यादा चर्चाएं होगी उतना ही बजट अच्छा रहेगा। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट।